हमारे साथ एके मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बात बार बार कही जाती है कि भाई जो भूतकाल में हो गया उस पर पर्दा डालो, कोई कहता पर्दा डालो, कोई कहता पानी डालो, भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है, कुछ लोग कहते पर्दा डाल दो, कुछ कहते पानी मिट्टी डालो। एके मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, जो आपने अभी बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जो पहले हो गया, भूत में हो गया, उस पर पर्दा डालो, मिट्टी डालो, पानी डालो, ये बड़े लालची और बड़े स्वार्थी टाइप के ये काम होते हैं और केवल एक सेलेक्टिव चीजों के लिए बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, पास्ट में जो हो गया पर्दा डाल दो, तो दुनिया भर के विश्वविद्यालय से आप इतिहास संकाय को हटा दीजिए, इतिहास जैसे सब्जेक्ट को हटा दीजिए। क्यों ये आप नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास भी तो भूत को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी की स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी डालो। इसमें एक एग्जांपल दूंगा, 1991 का जो ये पूजा स्थल का जो कानून बना था ना, वो एक तत्कालिक इस तरह की प्रक्रिया बड़ी सोची समझी थी कि भाई पर्दा कैसे डाला जाए ताकि ये मुद्दे उठे ना, रूह को जगाने का काम। देखिए रूह को अगर शरीर से अलग कर दीजिए तो शरीर का कोई महत्व तो नहीं है। आक्रांता ऐसे रहे हैं कि उन्होंने पहचाना है कि भारत की रूह आत्मा कहाँ पे है। किसी भी देश को अगर सांस्कृतिक रूप से आपको विजय प्राप्त करना है तो आप उसकी रूह को, यानी संस्कृति की जो रूह होती है उसको खत्म कर दीजिए। तो मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनना यानी रूह को खत्म करने की कोशिश थी। यहाँ के जितने भी स्मारक थे जो हमारे गौरव को बताते थे उनको नष्ट करना, उनको ध्वस्त करना। देखिए जितने मुगल आक्रांता या बाहर के आक्रांता थे ना, वो केवल पैसों के लिए नहीं आए थे, वो बड़े क्रूयल थे। पैसों के लिए आए होते तो पैसे धन लेकर के चले गए होते, ऐसा नहीं था। उन्होंने पैसों और धन के साथ साथ ये देखा कि यहाँ के कल्चर को कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि वो बराबरी तो कर नहीं सकते थे। इतना इनोवेशन जो हमने किया था हजारों साल लाखों साल की तपस्या से, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो बराबरी कर सके, और जब बराबरी करने की क्षमता नहीं होती है तो वो नष्ट करते हैं। सारा रीजन यही है कि बराबरी करने की क्षमता इनके पास नहीं है तो ये बोलते हैं जी मिट्टी डालो, पर्दा डालो, आगे की देखो। अरे पीछे की क्यों छोड़ दें? आप अपने घरों में अपने बाप दादा 10 पीढ़ी की फोटो लगा के रखते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां ये बोलती हैं, आप उनके कार्यालय में जाके देखिए 50 पीढ़ी पहले की फोटोएं लगी होंगी कि हमारे दादा उन्होंने कहां से शुरू किया था, वो एमपी थे, एमएलए थे। एके मिश्रा साहब बताइए, इससे अभद्र बात हो सकती है कि तरह के आलिमों ने आके फैसला दिया कि माली को अपने लगाए पेड़ के फल खाने का हक है? देखिए इससे गंदा वृत्तांत इतिहास में नहीं मिलता दुनिया की। मैं आपको बताता हूं अमिताभ जी, चलिए बादशाह हुए होते बाबर से लेकर के लास्ट मुगल, आप समझिए 8, 10, 12 जो भी रहे होंगे, बात वहां तक होती तो बात सीमित थी। लेकिन एक कौम का जब हर आदमी अपने आप को बादशाह समझने लगे और वो बोले कि हम तो पैदा ही हुए हैं बादशाहत करने के लिए, तो दुनिया में अमन चैन कहां रहेगा? आपने जो एग्जाम्पल दिया इशारों उशारों में वो सही है। मैं आपको बताऊं, अकबर के टाइम से बेटियों का निकाह बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनके यहाँ शादियां भी ऐसी हुई हैं, अकबर ने अपने गुरु बैरम खान की बीबी से शादी की जो उसकी बहन न जाने क्या क्या लगती थी। तो आपका उदाहरण सही है, हर वो चीज इनके लिए जायज है जो इनको मानसिक शारीरिक रूप से तृप्त करती है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का किसी से मेल जोल नहीं रहता। खुद रहीम दास ने शायद इसीलिए बोला है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो तो झूमत मस्ती में फाड़त उनके अंग। इतनी बुराइयां हैं, इतनी विकृति है, इतनी क्रूरता है कि आपस में भी ये लोग नहीं रह सकते हैं तो दूसरे लोगों के साथ ये कैसे रह सकते हैं? थोड़ी सी छूट आज मिल जाए, थोड़े से ये मजबूत हो जाए, आप देखिए वही शासन तंत्र, वही क्रूरता आने में यहाँ पे देख। मैं बोलता हूँ एक चीज, पूरे मुगलिया इतिहास में देख लीजिए, अरब से उठा करके जितने मंदिर जितने मस्जिद इनके बने हुए हैं, जितने इनके किले बने हुए हैं, आर्किटेक्चर है, शिवलिंग के रूप में कहीं कोई फव्वारा नहीं होगा। और ज्यामिति आकृति जो वृत्ताकार है, ये सनातन की महत्वता है, विशेषता है, त्रिकोण या वृत्ताकार, जहां जहां शिवलिंग होगा वहां वहां जल होगा और वहां वहां वृत्ताकार घेरा होगा। कोई मुगलिया आर्किटेक्ट में एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है, ना दीवारों पे, ना किसी फव्वारे में।
अब उसको जबरदस्ती ये सिद्ध करने पे तुले पड़े हैं। नहीं जी, ये चाहते हैं कि रूह को, भारत की रूह को अलग करने की कोशिश मत करिए। ये मंदिर, हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास, कहानियां, ये भारत की संस्कृति के रूह है।